हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हम अपने पितरों के लिए कपड़े दान देते हैं, टाइम टाइम पर हम अपने ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त वस्त्र का दान करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण होता है कि जो कपड़े हम देते हैं वो हमारे पितरों को नहीं प्राप्त होते, या जब भी हम पंचांग या कुल सेवा दिखाते हैं तो उसमें दोबारा फिर वही पितरों को वस्त्र का दोष निकल करके आता है। इसके पीछे का क्या कारण है और इस दोष से मुक्ति का क्या उपाय है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूरा यकीन है आज की यह इंटरेस्टिंग जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपके साथ भी सेम समस्या हो रही है, आप भी अपने पितरों के लिए कपड़े देकर थक चुके हैं लेकिन वो कपड़े आपके पितरों द्वारा स्वीकार नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, इस दोष से आप किस प्रकार निजात पा सकते हैं, सारी जानकारी आपको आज के एपिसोड में मिलने वाली है। तो एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। हम इतनी जो मेहनत करते हैं, इतनी जो अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं, ये केवल आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप एपिसोड को पूरा देखते हैं तो हमारा भी एपिसोड बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होता है और आपको भी जिस जानकारी की तलाश होती है वो जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए पितर देवताओं को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम देवता भय पित्रे भय महायोगी भय च नमः सुहाय सवधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तेति मोक्ष दायिका। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी दिवाली आने वाली है और पितरों के लिए विशेष रूप से अगर हम दिवाली के टाइम में कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से हमारे पितरों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से पितरों के क्रूर दृष्टि से जूझ रहे हैं, अगर आपके घर में भी पितरों की क्रूर दृष्टि हमेशा चलती रहती है या आपके घर में भी पितर दोष बना रहता है, आप किस तरह से दिवाली के टाइम में कुछ कार्य करके हमेशा हमेशा पितर दोष से मुक्ति पा सकती है, आज के इस एपिसोड में अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपना टॉपिक लेते हैं कि बार बार वस्त्र देने पर भी पितरों के द्वारा वो स्वीकार क्यों नहीं किए जाते। इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण यह हो सकता है कि जो वस्त्र आप अपने पितरों के निमित्त अपने ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, या तो वो जो वस्त्र है आप अच्छी क्वालिटी के नहीं दे रहे, क्योंकि मान लीजिए जब हम अपने पितरों का ध्यान करके अपने ब्राह्मण को वस्त्र का दान करते हैं या कपड़ों का दान करते हैं, तो अगर आप ऐसा वस्त्र दे रहे हैं जो ना तो पहनने लायक है और ना ही किसी को देने लायक है, तो उस वस्त्र दान करने का कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त होगा। अपने पितरों के लिए आप अगर मान लीजिए 100-150 रुपए का कोई कपड़ा दान कर रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि आज के टाइम में एक दर्जी से जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो 500-600 रुपए दर्जी जो है कपड़े सिलाई के ले लेता है, और वस्त्र आप दे रहे हैं 150-200 रुपए का, तो क्या ऐसा वस्त्र ब्राह्मण खुश होकर के पहनेगा? पहनना तो बाद की बात है, किसी ब्राह्मण को आपने दिया, जब वो उस कपड़े को देखेगा वह सोचेगा कि यह कपड़ा तो पहनने लायक है ही नहीं, और वो उस कपड़े को ऐसे ही कहीं पर रख देगा। तो वो आपका कपड़ा जो आपने दिया था, जिस उद्देश्य के लिए आपने दिया था कि ब्राह्मण देवता इसको सिलवा करके और पहनेगा, वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। तो ऐसे में आप जितना मर्जी भार कपड़ा दे दो, आपका दिया हुआ कपड़ा कभी भी स्वीकार नहीं होगा। जब तक आप एक अच्छी क्वालिटी का
कपड़ा अपने पितरों के लिए दान नहीं करोगे तब तक उस कपड़ा देने का कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। प्यारे बंधुजनों, दूसरी बात यहाँ निकल कर आती है, कई लोग हमारे पास आते हैं कि पंडित जी हमने अपने पितरों के लिए बहुत बढ़िया कपड़ा दिया है, 600-700 रुपए का कपड़ा दिया है, वो भी हमें पितरों का दोष निकल कर क्या रहा है। उसका भी कारण आप सुनिए। उसका कारण होता है, या तो आप ब्राह्मण देवता को सिला सिलाया कुर्ता पायजामा या पैंट कमीज जो वो पहनता है वैसा दें। अगर आप सिला हुआ नहीं दे रहे हैं तो आप उस कपड़े के साथ जो सिलाई की दक्षिणा है, जैसा भी आपके जहाँ जो दर्जी रेट लेते हैं, 600 लेते हैं, 700 लेते हैं, वो उस कपड़े के साथ लगा करके आपने अपने ब्राह्मण देवता को दान करना है। इस चीज को आप करके देखिए। अगर आपका दिया हुआ कपड़ा नहीं लगा तो मैं पंडित नितिन शास्त्री, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मुझसे आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम पे अपने पितरों के लिए आप क्या एक कार्य करें जिससे आपके पितर देवता हमेशा प्रसन्न रहे। दिवाली पर आपने दो उपाय करने हैं। पहला उपाय, दिवाली की जो अमावस होती है जिसको काली अमावस के नाम से भी जाना जाता है, काले तिल एक स्टील के लोटे में ताजा जल, उसमें थोड़ा गाय का कच्चा दूध, थोड़ा शहद, थोड़े काले तिल और थोड़ी हल्दी, ये डाल करके जहाँ पर आपने अपने पितरों का भोरखा या जिसको झुंड बोलते हैं वो लगाया हुआ है, मौस के दिन सुबह आपने उसको सींचना है। दूसरा कार्य, दिवाली की जो अमावस होती है अपने पितरों के लिए एक हवन जरूर करवाएं। ये नहीं कहता आप 10,000-20,000 का हवन करवाओ, नहीं, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा अपने पितरों के लिए दिवाली की मौस को आपने हवन करवाना है। ब्राह्मण को यथाशक्ति आपने दान करनी है। ये दो कार्य आप कर ले, आपके घर में कभी भी पितर दोष नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बंधु जनों, आशा करता हूँ आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ी हुई आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ, आप इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। ओम नमः शिवाय।